मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, ना तो सचिवालय का कर्मचारी झुका है, ना ही सचिवालय कर्मचारी डरा है, ना ही सचिवालय का कर्मचारी बिका है। ये आम बैठक थी, रूटीन बैठक थी हमारी, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 17 अगस्त को एक जनरल हाउस होना था, लेकिन हमें 16 सितंबर को बुला दिया गया और हमसे कहा गया कि आपको विद इन 7 डेज जो है माननीय मुख्यमंत्री वार्ता के लिए बुलाने वाले। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने अपना जो प्रस्तावित जनरल हाउस था वो पोस्टपोन कर दिया था, और हमें जैसे कि कहा गया था कि एक वीक हमें टाइम दिया गया था। उसके बाद हमें फिर 16 सितंबर को कॉल आती है सेक्रेटरी टू सीएम की कि माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत ख़राब हो गई है कुछ, तो आप वार्ता के लिए आ सकते हैं, मुझे उन्होंने ऑथराइज किया है। फिर हमारी 21 तारीख को वार्ता हुई, क्योंकि हमने 23 को फिर से जनरल हाउस रखा था, तो 21 को हमारी विस्तार पूर्वक सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राकेश कंवर जी से वार्ता हुई। उसमें हमारी जो मांग थी वो यही थी कि हमारे खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन और मेमो दिए गए हैं उसको वापस लिया जाए। उसके बाद हमारी जो मुख्य मांगे थी, जैसे कि डीए की 3 किस्तें देना, एरियर देना, नए पे स्केल का एरियर देना, और डीए की जो 1/7/2022 से हमारा जो 21 महीने का एरियर है उसको रिलीज़ करना, तथा कुछ और अन्य मांगे थी, जैसे कि सेक्टेट अलाउंस मिल रहा है गवर्नर हाउस को, कमीशन को, लोकायुक्ता को, उसको सेक्टेट पे दिया जाए। इसी तरह अन्य कई मांगे थी, कॉन्ट्रैक्ट की थी जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स की थी, इन पे चर्चा हुई। तो इन सारी बातों को लेके हमें आश्वस्त किया गया सेक्रेटरी SAD और सेक्रेटरी टू CM कंवर जी के द्वारा कि ये सारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाएंगी। अब जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री अब अस्वस्थ हैं, हमें बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं, आप लोग मीडिया बंधुओं के भी फ़ोन आए कि आखिर क्या हो गया, क्या वाकई सचिवालय का जो ये आंदोलन था ये ख़त्म हो गया है, या सचिवालय के जो कर्मचारी लोग हैं ये डर गए हैं, या ये झुक गए हैं, आखिर क्या वजह है, कि ना तो आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ना तो सचिवालय का कर्मचारी झुका है, ना ही सचिवालय कर्मचारी डरा है, ना ही सचिवालय का कर्मचारी बिका है। ये जो हमने अभी एक तरह से स्थगित किया है, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, एक तो हमारी वार्ता चल रही है, कल भी हमारी कंवर साहब से बात हुई, कंवर साहब ने कहा है कि आप अपने अपने डिमांड चार्टर दे दो, क्योंकि हमारी 5 एसोसिएशन है, हमने तो पहले ही दे रखा था। सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन ने, जो सबसे बड़ा संगठन है यहाँ का, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हमने तो पहले ही जो है अपना डिमांड चार्टर दे रखा था, लेकिन हमारे एक दो जो हमारे संगठन है उन्होंने नहीं दिया था, तो उन्होंने भी जो अपना डिमांड चार्टर दे दिया है, और हमारे को कंवर साहब ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द आपकी मुख्य सचिव के साथ मीटिंग होगी, और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री स्वस्थ होकर सचिवालय आएंगे उसी दौरान विद इन 2-3 डेज ये उनके साथ भी वार्ता हो जाएगी। हमें पता चला है आज ही न्यूज़पेपर के माध्यम से कि सचिवालय प्रशासन ने उसमें फिर से मेरे ख्याल से 15 दिन का टाइम और लिया है, क्योंकि विधानसभा से 15 दिन के अंदर जो है इंक्वायरी कंडक्ट करने को कहा था, रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था, अब जैसे कि 15 दिन पिछले कल हो गए थे, ये अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाए, इन्होंने 15 दिन का और टाइम मांगा है, तो इन दौरान जो हमारी वार्ता भी शुरू हो गई है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या आगे निकल के आता है। जो भी होगा वो हमने आज अपनी बैठक में हमने निर्णय ले लिया है। 5 एसोसिएशन की मेरी अध्यक्षा या ऑफिसर एसोसिएशन की गीता मैम है, और यहाँ पे हमारे PA प्राइवेट सेक्रेटरी के तुलसी जी हैं, और अमर जी हैं ड्राइवर एसोसिएशन के, क्लास 4 एसोसिएशन के अपने टेकराम जी हैं। तो हमने सब ने ये निर्णय लिया है कि अगर हमारे को जब माननीय मुख्यमंत्री अपना पद ग्रहण कर लेंगे, स्वस्थ होकर या आ जाएंगे, अगर वो 3-4 दिनों के अंदर में नहीं बुलाएंगे, तो हम फिर से अपना रोष व्यक्त करेंगे और जनरल हाउस करेंगे। और क्या था सचिव विधानसभा की तरफ से कि वो 15 दिन के अंदर इसमें इंक्वायरी करें और इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है ना विधानसभा को सौंपें, उसके बाद शायद ये प्रिविलेज कमेटी है वहाँ पे जाना था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे को समाचार पत्र के माध्यम से आज पता चला है कि सचिवालय प्रशासन ने इसमें और वक्त मांगा है।